अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। पानी की तकलीफ बहुत है, 15 साल से बहुत तकलीफ़ है पानी की। कभी खोलते कभी नहीं खोलते पानी, और बोले तो अब छोड़े तो 2 घंटे छोड़ते, वो कब छोड़ते वो मालूम भी नहीं होता। 15 ईयर से ये छः पानी की तकलीफ बहुत है, बहुत भी बहुत है पानी की तकलीफ। आया तो आता, नहीं तो नहीं। अब खोरन तो भी वो भी कब आ रहा जा रहा नहीं मालूम है। 10 मिनट आता वो भी मोरियों का काला पानी आ रहा। सिटी प्लाजा अंसारी रोड बन गली, खबरस्तान की गली है, बन गली है देखिए। और हमारे नल वाले जो है मोइन भाई है, पाइप लाइनिंग हमारी जो खोलते मोइन साहब है, और क्या है मालूम उन्होंने चाबी घुमा लिए रख दे के, वो चाबी के बोले तो हमारे को पैसे दियो बोल रहे। नहीं नहीं, मोइन भाई बोल रहे। हाँ मोइन साहब बोल रहे हैं चाबी के पैसे देना, चाबी घूम गई कहते उनकी, तो हम कलेक्ट करके देना, उनको जिम्मेदारी नहीं है, महीने को तनख्वाह नहीं ले रहे उन्होंने, पूरी पब्लिक को बोल रहे हैं भाई। अभी आपको तौफीक दिया गया है मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से जी, कि आपको अभी इसी वक्त से पानी हासिल होना शुरू होगा, अगर नहीं होने की सूरत में भी दोबारा धरना देंगे तो। जी हाँ, अब होना चाहिए भाई। अब देखो ईद है, पानी का खतरा नहीं है, बोर भी नहीं है हमारे पास, बोर हम देने वाले पानी देने वाले भी जरा मुसीबतों से बातें सुनना लेना करना पड़ा। अपने घर के पानी की बात ही कुछ और रहती, 2-3 घंटे फुल प्रेशर अगर पानी आ गया तो अपने को किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती। कितना भी बोर का पानी रहो भाई, नल के पानी की बात नहीं आती। जाता है कि आपके गलियों में पानी घरों में कम जाता है, रोडों पे ज्यादा बहता है, पाइपा फूटे, इसका क्या मतलब है? नहीं नहीं, पाइपा फूटे वो ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ वाल खोलते हैं वहाँ पे वाल जो बड़ा है, जो मोइन भाई जो वाल खोलते हैं, वो वाल ही खराब है। वो वाल को सही करना, वो वाल में से पानी जाता, और कहीं से भी कुछ भी पानी नहीं जाता। बड़ी पाइप लाइनिंग डालना, खुली डालना, बिंदास पानी होना। आप सबको आदाब। तो मैडम क्या हुआ, लास्ट 3 सप्लाईज 20 तारीख के दिन एक बार पावर इंटरप्शन हुआ था कृष्णा में, तकरीबन 8 घंटे पंप रुक गए वहाँ पर। पंप चालू होने के बाद अपने को आने के बाद से फिर 8 घंटे होते, तो 8 घंटे होने के बाद अपना जो रिजर्वायर, अपना सबसे ऊंचा रिजर्वायर है, अपने को पानी सबसे लेट आता पंपिंग चालू होने के बाद, उस वजह से अपने को सप्लाई की दिक्कत हुई। उसके बाद इतफाक से क्या हुआ, 22 तारीख के दिन फिर सप्लाई डिस्टर्बेंस हुआ। उसके बाद क्या हुआ मैडम, 26 के दिन भी, तो ये कंटिन्यूस सप्लाई डिस्टर्ब होने से अपने क्या, अपना जो शेड्यूल था वो पूरा शेड्यूल पूरा डिस्टर्ब होगा। अभी जो अनशेड्यूल में जो पानी ले रहे हैं उन लोगों की पाबंद कर दिए हैं, जो शेड्यूल है शेड्यूल के हिसाब से पानी लेना, लाइनमैन को पाबंद कर दिए, मैनेजर को, डीजीएम को, सबको, वर्क इंस्पेक्टर को, पूरा को पाबंद कर दिए। जिसका स्लॉट में पानी रहेगा वो स्लॉट में पानी लेंगे, उनका स्लॉट में अगर डिस्टर्ब हुआ तो वो डिस्टर्ब ऐसे रह जाएंगे, नेक्स्ट सप्लाई जिसको रहता है वो सप्लाई चालू हो जाता, वही मैं वादा कर रहा हूँ। और कॉर्पोरेटर साहब को मैं पूरा, अपने इंचार्ज राजेंद्र साहब को भी मैं ये पूरा, कॉर्पोरेटर कादिर साहब को भी पूरा बता रहे थे, तो पब्लिक की जो बतला रही थी एरिया की कि लाइनमैन पैसे ले रहे हैं वहाँ पर। नहीं नहीं, ऐसा अगर चीज़ है तो पैसे डिपार्टमेंट से, नहीं नहीं, अगर वैसा कंप्लेंट है तो आप इमीडिएटली मैनेजर को डीजी 155313 है मैडम कंप्लेंट, नहीं नहीं आप 155313 में भी बुक कर सकते हैं, फलाना आदमी पैसे मांगा बोल के उनके ऊपर कानूनी तहकात कर देगा, कानूनी एक्शन लेंगे, एक पैसा देने की जरूरत नहीं। अब कैसा अभी सप्लाई चालू हो गया, हम अभी ओएसएल का सप्लाई चालू हो गया, इंशाल्लाह वो चलेंगे आपको। नल की एक टाइमिंग करिए कोई, वही टाइमिंग के बारे में कॉर्पोरेटर सब पूरे डिस्कस करे अभी, ये नलों के वास्ते नींद हराम, चैन हराम। सही वो डिस्टर्ब अपने को पंपिंग से पानी आ रहा है, पंपिंग से पानी, मोरियों का पानी, काला पानी आ रहा है, वो भी उसका भी अपन रेक्टिफिकेशन वर्क चालू करें मैडम, वो भी सारी रोड मालूम है।
धरना देंगे, समझे। ये तहखुन ये कि आप लोगों को पानी दिया जाएगा, जहाँ पर भी अगर पानी नहीं आने की सूरत में टैंकर के जरिए पानी सप्लाई करने का वादा करे हैं। और जो कॉलोनी से जो अवेसी हिल्स है दानम्मा, सुनो जी अम्मा, जहाँ पे नहीं आ रहा वहाँ पे दानम्मा झोपड़ी, अवेसी हिल्स और आप अंसारी रोड, मोहम्मदिया कॉलोनी, शमा कॉलोनी, सैफी कॉलोनी, अकबर कॉलोनी, ये तमाम एरियों के अंदर जहाँ जहाँ भी पानी का प्रॉब्लम है पानी दे रहे हैं, वो हिल्स के अंदर पानी चल रहा है। और ये पानी के अंदर कोई कोताही होगी तो वहाँ पे हम धरना देंगे। अब सीएम साहब बोलिए, बड़े ऑफिसर है, इनको क्या भाई आप पानी नहीं कुछ नहीं जमा है, सुनो पहले इनको बुलाए। सदर साहब जो है, एमपी साहब, असदुद्दीन अली साहब जो है हमारे को और हमारे इंचार्ज साहब राजेंद्र नगर के रहमत बेग साहब को भेजा है। और ये जो पानी की तकलीफ है, पानी की तकलीफ को दूर करने के वास्ते इसीलिए तीन सप्लाई जो है कृष्णा वाटर का जो वहाँ से पानी हमारे को जो आने का है हैदराबाद को, पूरे हैदराबाद के अंदर जो है प्रॉब्लम था तीन सप्लाई और तीन दिन तक और आल्टरनेट में बोले तो आप लोगों को तकरीबन 8 दिन तक के पानी नहीं आया, सुने। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया और आज सीजीएम साहब को जो है पाबंद करे जो एरिए का पानी है वो एरिए के लोगों को देना। 2 बजे से अवेसी हिल्स, दानम्मा हाट्स और जो भी एरियों के अंदर 2 बजे से पानी देना है वो पानी देना। जो दादागिरी करके जो लाइनमैन कर रहे हैं उनको पाबंद करे हैं, अगर वो हमारे को अगर पानी नहीं मिलता है।